पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर ने आज आरजेडी में अपनी सदस्यता ले ली। राधा कृष्ण किशोर कई पार्टियों में रह चुके हैं और कई पार्टियों से वो विधायक बन चुके हैं। कपड़े की तरह पार्टियों का चोला बदलने वाले राधा कृष्ण किशोर अब आरजेडी के लालटेन को थामा है। आरजेडी पलामू क्षेत्र में मजबूत होना चाहती है और काफ़ी मजबूत जनाधार भी आरजेडी का पलामू क्षेत्र में है और इसी इरादे से राधा कृष्ण किशोर चुनाव के बाद अब आजसू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनके साथ ही इस कार्यक्रम में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि राधा कृष्ण किशोर कई पार्टियों को छोड़कर वो आ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस में भी अपना कार्य किया है, उसके बाद जदयू में भी उन्होंने कार्य किया है और उसके बाद से बीजेपी में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और बीजेपी के विधायक के तौर पर भी पिछली विधानसभा में रह चुके हैं। उसके बाद बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद आजसू का उन्होंने दामन थामा, लेकिन केले के छिलके पर वो 2019 के चुनाव में फिसल गए और छतरपुर सीट पर वो चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में उनको भी लगता है कि आरजेडी उनके लिए मजबूत और सुरक्षित जगह है। ऐसी स्थिति में उन्होंने आरजेडी के लालटेन को थामा है। अब देखना होगा आरजेडी के लालटेन को लेकर वो छतरपुर में कितनी देर टिकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से ये बताया गया है कि उनके आने के बाद आरजेडी छतरपुर में और भी मजबूत होगी। पलामू की धरती राष्ट्रीय है और पलामू के सबसे कद्दावर नेता माननीय राधा किशोर सिंह जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सचेतक रहे हैं, बिहार झारखंड विधानसभा और बिहार विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनके आने से हमारा पुराना जो पलामू जमीन रही है, उस जमीन में हम लोग ने नौ विधानसभा में 7 विधानसभा जीतने का काम किया था। इनके आने से निश्चित तौर पे हम लोग का रहेगा कि 9 में 9 विधानसभा हम लोग जीतें, इसका हम लोगों का प्रयास है। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करो और लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राजनीतिक सहकर्मी हैं, मंत्री हैं श्री सत्यानंद भोक्ता जी और सभी लोगों से मिल करके हमारा प्रयास होगा कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की सांगठनिक मजबूती में हम अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने इस निर्णय के मापदंड पर खड़ा हूँ। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।